मैं मिलने के लिए गया हुआ था डकी भाई की जो वाइफ है ना उसके अब्दुल्ला भाई को, मतलब कि उसके भाई को जो अब्दुल्ला जोताई है, मैं उसको मिलने के लिए गया हुआ था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। व्यूवर्स, आज व्लॉग फिर हमारा पार्क के अंदर स्टार्ट हो रहा है और मैंने सोचा कि यार आज एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ और साथ वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तकरीबन सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो चुका क्योंकि लेट उठा है आपका भाई। एक्सरसाइज का टाइम होता है 6 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान होता है, उस वक्त आपका भाई आधी रात को सो रहा होता है। ठीक है, रात को टाइम पे सो गया हुआ था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लेट आँख खुली है, लेकिन की आदत बन चुकी हुई है। वहाँ पर फ्लैट पर अकेला रह रहा हूँ तो इसलिए मतलब कोई उठाने वाला तो है नहीं साथ। तो बाकी ये कि अभी व्लॉग अपलोड हो चुका है और उसके साथ जो है ना एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मैं पहले कर लूँ, उतनी देर में जो व्लॉग रह गया वो भी अपलोड हो जाएगा। तो चलो पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job. तो जी फ्रेंड, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन लगभग 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज हुई, इससे ज़्यादा मेरे पास तो गुंजाइश नहीं थी भैया, मजाक ना समझिएगा, लेकिन ये है कि मैंने कभी की नहीं है। तो अभी रूटीन बना रहा हूँ कि इंशाल्लाह दौड़ भी लगाया करेंगे और साथ जो है ना एक्सरसाइज भी किया करेंगे। तो बाकी ये कि सांस के ऊपर सांस, सांस के ऊपर सांस। तो बाकी ये है कि अभी यार पहले वेट कर ले, इतनी थकावट फील हो रही है कि पता नहीं किसी ने ना इतना मारा हो, मतलब बहुत थकावट फील हो रही है। तो अभी बैठ गया हूँ थोड़ी सी सांस लेने के लिए छाँव में, गर्मी लगने लग गई थी क्योंकि एक्सरसाइज की है तो गर्मी लगने लग गई है और इसलिए मैं अमरूद की छाँव में बैठ गया हूँ। अमरूद की छाँव तो नहीं है लेकिन ये कि पीछे से छाँव आ रही है, ठीक है, साया पीछे से आ रहा है और ये मेरे पीछे जो अमरूद का बाग है इसके ऊपर अमरूद भी लगे हुए हैं इतने इतने से, इतने अंडे वाली सरकार, अंडे वाली। चलते हैं जी, काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ, तकरीबन एक आधा घंटा तकरीबन हो चुका है मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। तो अभी निकलते हैं और जाके पहले तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने में क्या लेते हैं आज, आलू वाला नान या आलू वाला पराठा खाते हैं। आज दिल कर रहा था तो आज ये करते हैं। और पहले तो बैंक से पेमेंट लेनी है, पेमेंट मेरे पास नहीं है तो वो निकलवाते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। Your transaction is, please select your transaction. Please collect your card. आलू वाला नान बोला था और उन्होंने मुझे आलू वाला पराठा ला के दे दिया। मैंने कहा यार चलो आलू वाला पराठा ला दिया तो यही चलेगा। फिर आलू वाला पराठा खाया, बहुत मजे का था। मैंने पहली बार आलू वाला पराठा इधर से खाया, लेकिन मैं पहले आलू वाला नान ही खाता था, लेकिन आज खाया अच्छा लगा। कमाल हो गया यार, मजे की धूप, धूप भी सर पे आ गई हुई है। अभी अजान हो रही है दूसरी, तो अभी निकलते हैं जुमा पढ़ने के लिए। पता नहीं यूकी सिम को क्या इशू है, मैं छत पे आता हूँ तो सर्विस छोड़ जाती है, एक सेकंड में छोड़ती है, दूसरे सेकंड में सर्विस आ जाती है, फिर तीसरे सेकंड में छोड़ता है और फिर चौथे सेकंड में मतलब सर्विस आ जाती है। पता नहीं मोबाइल को कोई इशू है, यहाँ पे कोई इंटरनेट का इशू है, ये अब कोई कन्फर्म नहीं है। जिस बंदे के पास ये हॉस्टल है ना, मतलब जो बंदा मैनेजर है, इसको मैनेज कर रहा है, वो दोस्त है, जानने वाला है, तो मैं उसको ये वॉशिंग मशीन के बारे में पूछ रहा था। ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है किसी बंदे की, तो मतलब ये चल रही है। मैंने उससे पूछा कि यार हम भी अपनी इधर वॉशिंग मशीन रख लेते हैं। कहता यार इसी को यूज़ करो, ठीक है, मतलब ये कपड़े किसी ने डाले हुए हैं और वहाँ पर वो वायर लगी हुई है और ये मशीन चल रही है। तो वो कह रहा था कि इसी को यूज़ करो और इसी के अंदर वॉश करके जो ना आप अपने डाल लो कपड़े, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी कहता। मैंने कहा यार देखना ये ना हो कि मतलब वो बंदे इतराज़ करें। उन्होंने कहा यार कोई मसला नहीं, हम बैठे हुए ना, कोई इतराज़ नहीं करेगा, करेगा भी तो हमें बता देना। जाते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीन बना। मैं पहली बार जा रहा हूँ फिलहाल, कहते हैं कि बहुत माहौल है। वाह यार ये देखो, ये भी इन्हीं का हॉस्टल है, मतलब साथ ही है, तो कैसा ज़बरदस्त बनाया हुआ है उन्होंने, हैं बैठने के लिए। वाओ दैट्स ग्रेट, ये भी बना रहे हैं इधर बैठने के लिए, धूप में ना, धूप में बैठने के लिए ये सारे घास लगा रहे हैं। भैया ये बैठने के लिए बना रहे हैं, लेकिन धूप में बैठने के लिए ये अभी लगा रहे हैं कि पहले भी लगा हुआ था? अच्छा अभी लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा हुआ है, मतलब वहाँ पे भी बैठते हैं और यहाँ पे भी बैठते हैं। अच्छा वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो इधर लेके आनी है,
कमाल हो जाएगा, पूरा लाहौर नजर आ रहा है यार यहाँ से तो। ये देखे कैसा यार, बहुत कमाल का बना रहे हैं यार, बहुत जबरदस्त है वो। मैंने पहली बार देखा, सुना था कि ऊपर बहुत माहौल बनाया हुआ है, मतलब सब्ज घास लगाया हुआ है और चेयर वगैरह रखी हुई है, चारपाई पड़ी हुई है बड़ी सी लोहे की, वो वहाँ पे मैंने अभी देखी है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और यहाँ पे भी पीछे मेरे जो है ना ऊपर, यहाँ पे भी वो ऐसा ही सीन कर रहे हैं जहाँ पे वो पहले किया बना, वो उठा के यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट करना है। अभी जी जुम्मा पढ़ के मैं वापस आ गया हुआ था, और आने के बाद मैंने प्लान ये किया कि यार थोड़ा सा खदशत करवा लेता हूँ और कटिंग भी करवा लेता हूँ, बाद में टाइम ना मिले तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि कटिंग बहुत बड़ी हो गई है और जो खत भी है बहुत भी वो भी बहुत बड़ा हो गया। तो अभी इसलिए जाते हैं हम आप पे और कटिंग करवा के आते हैं, कोई हेयर स्टाइल कोई अच्छा सा बनवाते हैं इनसे। अच्छे मोने कटिंग कर ले, नहीं पहने सी वेल्डिंग कर वेल्डिंग कर दो। क्या है यार, हाय ना छोड़ो मेरे बॉस को देखने का, चले आ यार कटिंग करी कटिंग कर। इधर आ, मैं चाय बना ले आ, इधर मेरी गाल सुन। क्या भाई यार कटिंग का ले टाइम थोड़ा है, तेरी कैमरे की वजह से इज्जत हो रही है, पता करना की होता। चला जा And the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. अभी मैं वापस आ चुका हूँ और खत वगैरह करवाते हैं, बहुत ज्यादा उसने टाइम लगा दिया क्योंकि तसल्ली के साथ किया है, और अभी जाके रेडी होना है। रेडी होने के बाद मैंने टीएचजी में जाना है किसी काम के सिलसिले में, तो यहाँ से निकलते हैं। अभी जी मैंने जैकेट शकट पहन ली हुई है, मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, मुंह तो है बाकी जो ना वैसे क्या वैसे निकलने लगा हूँ। बाकी अभी शूज पहनते हैं, ये रेड वाले पहन लेते हैं, इनको पहन के फिर निकलते हैं। शूज पहन लिए हमें और शूज पहन के अभी बस मैं निकलने लगा हूँ, और ये वॉलेट ले लेते हैं। वॉलेट तो चलो अभी निकलते हैं वापस, रास्ते में मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगा भाई, चुप करके जाना है और वापस निकलते हैं। फ्रेंड्स रात के 10 बज चुके हैं और अभी मैं वापस अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं। मैं मिलने किसको गया था मैं अभी बताता हूं, मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मोबाइल नीचे मॉल में जमा हो चुका था, उन्होंने कहा कि भाई ऊपर जाना है तो वीडियो शूट नहीं कर सकते अब, तो मैंने कहा इट्स ओके, तो मोबाइल काउंटर पर उन्होंने जमा कर लिया। और जिम थी ऊपर, मैं मिलने के लिए गया हुआ था डक्की भाई की जो वाइफ है ना उसके अब्दुल्ला भाई को, मतलब कि उसके भाई को जो अब्दुल्ला जोतई है, मैं उसको मिलने के लिए गया हुआ था, लेकिन मैं मोबाइल नीचे जमा करवा के चला गया था क्योंकि इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऊपर वीडियो शूट नहीं होने देते। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा, वीडियो शूट करूँगा। असल वजह ये थी, मैं अचानक गया था, मैं उनके साथ बातचीत करके नहीं गया था, मैं डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच गया था, तो इसलिए मुलाकात तो हुई बहुत अच्छे से, गपशप होगी उनके साथ। तो बाकी वहाँ पर मैंने व्लॉग वगैरह कोई शूट नहीं किया, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट जाएंगे तो साथ व्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो बाकी उन्होंने मुझे कहा था कि जी अगर आप आना चाह रहे थे तो मुझे मैसेज कर देते तो आपका मोबाइल नीचे जमा ना होता, आप डायरेक्ट ऊपर आ जाते, लेकिन मैं बताने के बगैर गया तो इसलिए मेरा मोबाइल नीचे उन्होंने जमा कर लिया था। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ बाय।